अनुपम माधुरी चोरी हमारे श्याम श्याम अनुपम माधुरी हमारे श्याम अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम क्षीर आज क्षीर अच्छी
ज्ञानशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बलहरि कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। जोर से बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री सनातन गोस्वामी सर्वप्रथम श्री महाप्रभु को प्रणाम किया, उसके बाद में मथुरा देवी, उसके बाद में वृंदावन, उसके बाद में यमुना महारानी, उसके बाद में बताएंगे। इसलिए यहाँ पर सबको प्रणाम कर रहे, गिरिराज गोवर्धन को प्रणाम कर रहे हैं, श्री भक्ति देवी को प्रणाम करते हैं, कहते श्री अंतिम में श्री भगवान का नाम को प्रणाम करते हैं। इसलिए जब भगवान का नाम को प्रणाम करते हैं कहते जयति जयति नामानंद मिथत मुरारी विरमित निज धर्म ध्यान पुदादि यत्नम कथमपि सकृदतम मुक्तिदम प्राणिनाम जत्त परममृतम रूपम जीवनम भूषणम। जब हरिनाम को प्रणाम करते हैं बोले जयति जयति, यहाँ पर भी जो जय है दो बार प्रयोग किया, भगवान का नाम की जय जयकार, ठाकुर का नाम की जय जयकार हो। बोले क्यों? बोले भगवान का नाम की बड़ी महिमा है, हैं? इसलिए जयति जयति बड़े प्रसन्न होकर के उत्फुल्ल होकर के भगवान का नाम को जय जयकार करते हैं। कहते नाम की इतनी महिमा है, कहते राम ना सकई नाम गुण गाए, भगवान राम भी अपना नाम की महिमा को गा नहीं सकते हैं, इतने नाम की महिमा। इसलिए बोले जयति जयति नामानंद मेतत मुरारी, मुरारी का जो नाम है वो आनंद ही आनंद है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, भगवान के नाम जितने डूब सकते हो उतना डूब जाओ भगवान के नाम में, हैं? इसी जगत में कोई भी चीज हो दो दिन बाद में उसके प्रति धिकार हो जाते हैं, लेकिन भगवान के नाम जितना लो उतना आनंद। उदाहरण देता है जैसे पक्षी जन आकाश अंत नहीं पाए, जैसे कि चिड़िया उसके पंख में जितने ताकत है ना वो उतना ही आकाश में उड़ सकता है, आकाश का कोई अंत तो है नहीं, उसी तरह भगवान का नाम में भी कोई अंत है नहीं। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हरि नाम तो आ
अनेक स्वरूप। बोले प्रभु आपकी आपके कितना स्वरूप हैं। बोले जसोदानंदन आनंद वर्धन नंद तनय रस गोप। बोले कितने नाम, जसोदानंदन आनंद वर्धन नंद तनय रस का सागर है भगवान के नाम पूरा। उन्होंने ठाकुर का नाम को दे दे करके ना भक्ति में ठाकुर बड़ा सुंदर कीर्तन करते हैं। हाँ, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। इसलिए कितने भगवान के नाम हैं, कितने हम सवेरे गाते हैं ना, विभाव रिशेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जुब बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हय गिरिव। पूरा जो सवेरे हम कीर्तन करते पूरा ठाकुर का नाम को दे दे कर उन्होंने कीर्तन किया है। इसलिए यहाँ पर कहते जयति जयति नाम नंद में तत् मुरारी। कहते हे मुरारी, हाँ भगवान ने मूर नाम का दैत्य को वध किया था इसलिए उनका नाम श्री मुरारी उनका नाम पड़ा है। इसलिए उसी तरह हमारे हृदय में भी बहुत बड़े बड़े दैत्य बैठे हैं, काम है क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये एक एक राक्षस बैठे हुए। कहते राक्षस को कौन मार सकता है, बोले भगवान का नाम। इसलिए बोले जयति जयति नाम आनंद में तद मुरारी। बोले विरमित निज धर्म ध्यानादि जतम। इसलिए कहते भगवान की जो नाम है उसके लिए कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कोई जाग यज्ञ तपस्या इधर वर्णाश्रम कुछ भी करने का जरूरत नहीं, बस केवल ठाकुर का नाम ले लो। हरिदास ठाकुर जी बता दिन भर क्या करते थे, 3-3 लाख ही हरिनाम लेते थे और कुछ नहीं करते थे। 1 लाख हरिनाम तो अपना कान तक सुनाई पड़े, दूसरा तरह का हरिनाम मन मन में, तीसरा जो 1 लाख हरिनाम करते थे उच्चे स्वर से हरिनाम, दिन भर यही हरिनाम करते थे। हमारे गोस्वामी लोग और क्या करते थे, यही हरिनाम ही। भगवान का नाम का ही सहारा लेकर के दिन भर प्रभु के नाम को ही सेवा करते थे। श्री माधवेंद्रपुरी हुए, वो तो 24 घंटा हरिनाम करते थे, किससे कुछ मांगते नहीं खाने के लिए। अगर अपने आप कोई दे दिया ना खा लिया, नहीं तो सारा दिन कहते जब कोई देते नहीं फिर क्या करते थे, जब कोई दे दिया खा लिया, जब नहीं देते तो क्या करते थे। बोले कृष्ण नाम सुधा करिया पान जुड़ाओ भक्त विनोद प्राण। अभी हम लोग बद्ध जीव है इसलिए हमें भूख लगता है, लेकिन जब भगवान के नाम लेते थे जब सब अनर्थ खत्म हो जाएगी, भगवान का नाम है रुचि निष्ठा प्रेम होगा ना, ये जगत का रोटी सब्जी नहीं खाने पर ही काम चल जाएगा। क्योंकि जो भगवान का नाम ये एक अमृत है, जब ये नाम को जप करते हैं अमृत अपने आप नाम से ही अपने आप अमृत निकलता है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी क्या खाते थे बताओ, एक चूल केवल मट्ठा पी लेते थे और कुछ नहीं, इतना केवल मट्ठा पी कर सारा दिन भक्ति करते थे भजन करते थे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया कुछ भी करने का जरूरत नहीं, उठते बैठते सोते महाप्रभु ही कहते हैं कि शयन कि भजन कि वा जागरणे अहर्निश चिंत कृष्ण बोलो बदने। सारा दिन उठते बैठते सोते क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री हरिनाम संकीर्तन की, सचिनंदन गौर हरि की जय। अभी हमारे श्री जनार्दन प्रभु हरिनाम के ऊपर में कुछ उन्होंने कथा बोलेंगे, उसके बाद में चिराग कुछ बोलेंगे। जय जय हरे नाम सचिदानंद पुरतत्म परतत्वरा निज जन कृपा करे नाम रूपये निज जन कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। सर्वाग्रम गुरुपात्र आचार्य कदम स्वामी विष्णुपाद श्रोत श्री समय
जो भक्ति जगत में हम लोग हैं, इस भक्ति जगत में उपास्य सेवक सेव्य वस्तु है। सेवक जो सेवा सेव्य वस्तु की करता है, सेव्य जो सेवा की सेवा को लेता है। यहाँ पे सर्वोपरि सेव्य वस्तु क्या है वो प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं। उनका पहला प्रथम उपदेश यही है, यही से ही सारे उपदेश आया है। वो कहते हैं कि गौड़ीय मटका ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय में जो शुद्ध भक्ति धारा प्रभुपाद जी के द्वारा प्रचारित प्रसारित है, इसका सर्वप्रथम जो भाष्य वस्तु है वो कौन है? कहते श्री हरिनाम प्रभु है, नाम प्रभु। क्योंकि नाम जो है, नाम मरण मात्र से, नाम के कीर्तन मात्र से भगवत प्रेम अनुराग उत्पन्न होता है। भगवान उत्पन्न होते हैं, बाद में नाम स्फुरित होता है, ऐसा कहीं कभी लिखा नहीं है। इसीलिए साध्य साधन तत्व ये किंतु सकल हरिनाम संकीर्तन मिले वे सकल। हम जो साध्य, जो मतलब जिसको पाना है, हमें हमारी अल्टीमेटम कौन है? ये नाम। और किसके द्वारा पाएंगे? इसी नाम के तरीके से। और अगर ये नाम को देने वाले कौन है? गुरु। तो अगर गुरु भी हमारे जीवन में नहीं है, तो इस गुरु को निष्कपट रूप में अगर हम किसी के शरण में जाएं, तब वो हमें गुरु की भी प्राप्ति कराए, तो वो भी कौन है? ये नाम। यानी कि अगर हमारे जीवन में गुरु भी नहीं है, तो अगर हम अपने नाम के शरण में जाते हैं, तो नाम हमें अपने निष्काम और सकाम पुरुषार्थ के अनुरूप ही हमें गुरु प्रदान करते हैं। तो नाम शुरू से ही भक्ति से, सुकृति से लेकर भक्ति जगत भक्ति में लेकर भक्ति से और फिर अविध है और प्रयोजन तक हमारे साध्य और साधन तत्व तो जो कुछ भी है, वह तो सब कुछ किसमें समाहित हुआ है? श्री नाम जी में। इसीलिए प्रभुपाल जी ने सबसे पहले नाम जी को ध्यान दिया। महाप्रभु का सबसे पहला उपदेश, महाप्रभु ने कभी ग्रंथों की प्रणय नहीं किया, जो कृष्ण 700 श्लोक में गीता संपन्न करते हैं, वो कृष्ण आज कलयुग में पावन अवतारी, वो क्या कहते हैं कि केवल एकमात्र परम चरित्र श्री कृष्ण संकीर्तन, भगवान के राधा कृष्ण के नाम ही सर्वोपरि है। इसलिए ये साधारण नहीं है नाम, क्योंकि अगर आप कह सकते हो कि हम तो साधारण रूप में नाम ले लेते हैं कि राम कृष्ण, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर देखो जरा वाल्मीकि जी, अगर ये नाम अगर साधारण होते हैं तो वाल्मीकि को एक राम नाम लेने में 60,000 वर्ष नहीं लग जाते, है ना। जो व्यक्ति कहता है ये नाम बड़ा साधारण है, उसके लिए कहते हैं कि वो जन्म जन्म तेकुस तपस्य जुहुकु सस्तो रार्य ग्रणाम ग्रंथि ये ते, कहते हैं वो सारे सब कुछ तप व्रत यज्ञ याग योग ध्यान समाधि धारणा सब कुछ करते हुए जब एक व्यक्ति परिपक्व अवस्था में आकर के पहुंचता है, मतलब इसका मतलब हम जो आज यहाँ पर बैठ कर के हरिनाम कर रहे हैं, ये साधारण प्रक्रिया नहीं है। जन्म जन्मांतर के हमारे साधन आज फलीभूत होकर के एक जगह पे बैठ करके भगवान की एक नाम उच्चारण करने के लिए हमें समर्थ कराया है। इसीलिए हमने कई कई एड़ी चोटी की जोर लगा करके आज हम यहाँ पे आए हैं। तो इसीलिए ये साधन नहीं है, क्योंकि इसका उदाहरण में रामायण जी में, वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि जो दशरथ ना करते अगर नाम साधन होता तो उनके मुख में उसी समय उच्चारित हो जाते, परंतु उस समय हुए क्या? नहीं हुए थे। इसलिए ये नाम साधारण नहीं है। इसलिए एक कृष्णदास बाजी महाराज थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, प्रभुपाद जी के पास जब बैठे के वो हर जगह केवल कीर्तन करते थे, भगवत नाम कीर्तन करते थे 24 घंटा। वो क्या करते हाथ में माला लेकर के और भगवान नाम की बहुत जोर जोर से उच्चारण करते थे, कहीं पर भी जाते थे। वो हर किसी को वो कहते थे आप नाम करो, यदि आपकी कोई सेवा की बहुत ज्यादा क्या है दबाव है तो आप सेवा के साथ कहते ना मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तो राम की सेवा अगर करना है तो मुख में नाम बोलो, नहीं तो ये सब कुछ कर्म के अंग के अंतर्गत आ जाएगा। अगर आप अपने जीवन में निष्काम रूप में भगवत नाम नहीं ले रहे, फिर भी हम लोग सेवा कर रहे हैं, तो वो भी फलीभूत नहीं होगा। यद्यपि चिन्मय वस्तु की सेवा करने से चिन्मय फल लाभ होता है, परंतु यदि उसमें है जो कहते हैं ना दूध में कि जो सार वस्तु मक्खन अगर निकाल दिया जाए तो वो दूध नहीं कहते हैं। और छाछ का बात का कोई प्रोसेस रहता है क्या? छाछ में से कुछ निकाल सकते हो आप लोग? कुछ नहीं निकलता, क्योंकि उसकी सार वस्तु ही निकल गया। इसीलिए अगर हम भक्ति करते हुए उसको नाम नहीं जोड़ेंगे, इसका उदाहरण देखो ना, सर्वोपरि भगवान के सबसे बड़े बड़े भक्त गोपियां
पुण्यानि नामानि पठन्ति यत्र गोविंद नाम धर्मादहेति। जब वो रई को तोहन करते थे, जब वो कोई गेहूँ पीसते थे, जब कभी कोई काम करते थे, तो गोविंद नाम धर्मादहेति भगवान की इत्यादि नामों का स्मरण करते थे, चिंतन करते थे। तो यही नाम का प्रभाव है कि कृष्णदास बाबा जी महाराज हमेशा इस महिमा को महिमान्वित करने के लिए वो नाम का उच्चारण करते थे। कुछ ऐसे शिष्य थे जो बहुत ज्यादा सेवा में रहते थे, उन्होंने कृपा जी के पास आए, बोले कृपा जी ये जो कृष्णदास बाबा जी महाराज जी हैं ये तो क्या करते हैं पूरे दिन, ये क्या करते हैं हरिनाम करते हैं और हरिनाम को उपदेश करते हैं, तो आप जरा इनको बताइए ना कि ये थोड़ा सा मतलब सेवा करें, क्योंकि ये तो फिर काम चोर वाली बात हो गई ना। तो कृपा जी कहते हैं कि ठीक है तुम्हें काम करो, उसको तो मैं देख लूंगा, तुम्हें काम करो बड़े बड़े बोर्डिंग बनाओ, बड़े बड़े ऐड बनाओ और उसको जाकर कि कलकत्ता में और जितने बड़े बड़े शहरों में जाकर चिपका दो कि जो व्यक्ति हरिनाम करेगा बैठ करके गौड़ी मठ में, तो उन लोगों के लिए हम सारे मेडिसिन फैसिलिटी, मेडिसिन के, उनके दवाई के, उनके रहन खान पीन सब चीजों के हम व्यवस्था करेंगे पूरे साल, उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, गौड़ी मठ में बैठ करके 16 माला करने पड़ेंगे, जाओ तुम ये अनाउंसमेंट कर दो, सारी प्रकार की सुविधा हम देंगे। प्रभुपाद जी की ये था दृढ़ वाणी, इस बात को लेकर के सारे शिष्य प्रचार किया जगत में। तो जैसे ही पूरा जगत में फैल गया कि भाई गोड़ी मठ तो मतलब क्या है ना कि सारे जितने भी फैसिलिटीज है वो सब कुछ मुहैया करा रहे हैं और हमें केवल बैठ कर वहां पे हरिनाम करना है, तो बहुत से लोग आ गए। दो दिन प्रचार हुआ, दो दिन में इतने लोग हो गए कि भर गए। तो फिर वो शिष्य लोग आते हैं, कहते हैं कि प्रभुपाद जी अब तो वो संकट आने वाला है क्योंकि इतने लोग आ गए, हम इसको हैंडल कैसे करेंगे। तो समय जाने पर जैसे 10 दिन हुआ 15 दिन हुआ प्रभुपाद जी एक जगह कहीं रुकते नहीं थे, कोई इधर जाते उधर जाते प्रचार में प्रेस के कार्य में, तो जैसे इधर उधर होते एक महीने बाद प्रभुपाद जी जब वापस आए बाग बाजार में, तो उन्होंने देखा कि उन सब लोगों को बुलाया कि अब बताओ कितने लोग हैं, कितने लोग हरिनाम कर रहे हैं। बोले प्रभुपाद जी आज को ठीक है, एक महीना पहले आपने जो घोषणा किया था उसके बाद जितने भी लोग आए थे आज उनके मात्र 1% ही बचे हुए हैं और वो भी दोन पटल से हैं, इसलिए ये नाम एक जगह पे बैठ कर करना इतना आसान नहीं है। और नहीं तो नाम के लिए अगर हमें ये नाम का आस्वादन हो गया तो आप जरा समझो कि हमारा जीवन ही एक ही, हम जो 1 लाख हरिनाम करते हैं लाख लाख हरिनाम करते हैं उसका क्या फल है। यदि उसका केवल एक फल है कि केवल एक शुद्ध कृष्ण नाम उच्चारित हो जाए, हमारा जो ये लाख हरिनाम हो रहा है ये केवल नाम अपराध के अंतर्गत आता है। एक शुद्ध नाम इतना शक्तिशाली है कि रूप गोस्वामी एक शुद्ध नाम भी नहीं ले पाते थे, गौर किशोर बाबा जी महाराज कोठाए को प्रेमोमय रा बोलते ही हताश हो जाते थे, हमारे परम गुरुदेव प्रभुपाद जी के एक नाम प्रभु कहकर इतने अशुर्वाद होता था, भक्त भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि कोई नहीं ले सकता। जरा देखो मैं कुछ दिन पहले लुहारी गांव गया था, हम आ रहे थे तो मेरे पीछे बाइक में एक प्रभु जी बैठे थे, उधर से कोई आ रहा था, जब हम जा रहे थे किसी ने हमें कोई करके आवाज लगाया, तो मैंने वहां पे ब्रेक मारा और जैसे मैंने पीछे देखा इतने में एक ट्रॉली आकर के मेरे पीछे लगा और खेत का धार था वो किनार पे, इधर से 2-3 बंदे और आकर रुक गए और वहां से एक क्या नाम था ट्रक आकर के जाम हो गया, मतलब कोई शब्द का अर्थ में इतना जाम हो गया और एक तो बड़ा स्पीड से आ रहा था और वो देखा कि मैं तो ब्रेक नहीं मार पाऊंगा, खुद ही खेत में घुस गया, मतलब जरा सोचो उसका टांग पांग छिल गया, मतलब कोई शब्द से ही एक जड़ शब्द है वो ऐसे क्या हो गया हमें भी पता नहीं चला कि मैंने ब्रेक मारा और कितने जाम हो गया पता नहीं चला। तो जरा सोचो जो राम जी का नाम है, जो कृष्ण का नाम, राधा जी का नाम होगा, क्या वो साधारण होगा? अगर साधारण होगा ना, मैं आपको मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस कहता हूँ, हमारे दादाजी थे बड़े मतलब कहना नहीं चाहिए, वो ना मुर्गी खाने के लिए जमीन की हिस्से बेचते थे, मुर्गी खाने के लिए जमीन की हिस्से बेचते थे। तो जब उनका अंतिम समय आया, अंतिम समय में हमने देखा उनके नाम कोई नाम नहीं उच्चारित हो रहा है और ऐसे दिन में वो गए, हमने वो भी देखा और हमने जब पहले वृंदावन आए तो वहाँ पे रामकृष्ण मिशन एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमारे कोई भक्त का ट्रीटमेंट चला था, मैं वहीं पे था, तो एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनको बहुत ज्यादा ही तकलीफ था, वो वहाँ पे बैठ करके क्या कर रहे थे और ऐसा करके कुछ बोल रहे थे, तो मैंने देखा, मैंने तो सुना था कि जो व्यक्ति पूरा जीवन भजन नहीं करता वो अंतिम समय में भगवान के नाम नहीं ले सकता, ये कुछ कह रहे जरूर। तो मैंने वहां पे किया बहुत गौर किया तो उन्होंने भगवान के नाम लेता हुआ मेरे को सुनाई पड़ा, तो इससे देख करके मेरे को अचंभित हुआ कि जो व्यक्ति, क्योंकि मैं पहले पहले आया था मेरे को थोड़ी पता था कि वृंदा
साथ में सभी जो ग्रस्त भी हैं वो भी भजन करते हैं। अब जैसे मैंने थोड़ा सा उनको ऐसे संवारा, देखा कि उनका जो कंठी है, कंठी पूरा काली है और कंठी पहने हुए हैं, तो मैंने तो समझ लिया भक्त है, और भक्त वो भी पुराने बहुत है तभी तो कंठी इतनी काली पड़ी हुई है, यानी कि इन्होंने पूरा जीवन भजन किया है। तभी तो देखो अंतिम समय में राजा कुछ कहते कपवात कुत्तेरुद्ध कंठावरुद्ध, कि कंठ कैसे अवरुद्ध हो जाता है, पता है क्या होता है, जब हम जाते हैं ना स्कूटी में जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, अगर कहीं पे ठोकर लग जाए, हम हरिनाम करते करते हमारा ना तेरी कैसे मतलब उल्टे पुल्टे शब्द निकल जाते हैं, कब भगवान के नाम लेते लेते उल्टा पुल्टा शब्द आ जाता है। तो जरा सोचो जो व्यक्ति उल्टा पुल्टा ठहरा होगा वो क्या भगवान का नाम ले सकता है। इसका मतलब जब हमारी इंद्रियों में प्राण और हमारी इंद्रियों में चेतनता नहीं रह जाती ना, भगवान क्या करते हैं उन इंद्रियों के ऊपर आकर के अवतार लेते हैं और नाम अपने आप को स्फुरित कराते, नहीं तो किसी का कोई ऐसा माइकल लाल नहीं है कि अंतिम समय में भगवान का नाम ले ले। वो केवल गुरुवर्गों की कृपा से अगर पूर्ण जीवन दे करके किसी ने सेवा किया है, सेवा कई तरह का है, नाम सेवा, क्रिया सेवा, गुरु सेवा, भगवत सेवा, इस सेवन को कोई जीवा दो, जब सेवा करते करते समय हो जाए तब जाकर के स्फुरित होता है। नहीं तो प्रभुपाद जी के शिष्य लोग अपने चोटी को पंखे में बांध करके अंतिम मतलब जो 12 बजे तक वो हरिनाम कैसे करते थे, उनको इतना सेवा करते थे कि उनको समय नहीं मिलता था, नाम करते करते नींद आ जाएगी, इसीलिए अपने चोटी को पंखे में बांध करके कि झपकी लगेगी तो खिंचाव पड़ेगा तो हमारी नींद खुल जाएगी, ऐसे ऐसे कठोर भजन किया है। इसीलिए नाम को कभी भी साधारण नहीं समझना, और ये नाम का प्रभाव है, ये नाम का प्रभाव है। स्वामी महाराज जी ने सारे देश विदेश में ये हरिभक्ति को प्रचार किया, इसी नाम के प्रभाव से हरिदास ठाकुर ने जगत में प्रचार किया, और तो और छोड़ो चारों युगों में जितने भी युग धर्म मंत्र है, जैसे सत्यप्रेम है, नारायण प्रभेदा, नारायण प्रखरा, नारायण प्रगति, नारायण परमुक्ति, इसमें भी नारायण नाम है, और सत्ययुग त्रेता युग में राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव सारे वैकुंठ वामन, ये भी सब भगवान के नाम है। यद्यपि युग धर्म अलग अलग है, किसी युग में धर्म है कि दान करना, किसी में तप करना, किसी में यज्ञ करना, परिचर्या करना, फिर भी नाम कॉमन है, और कृष्ण मंत्र जो है कलयुग में तो नाम ही नाम है, इसलिए नाम की बहुत महिमा है। अनंत देव अनंत मुख से नहीं गा सकते, मेरे जैसे क्षुद्र जीव क्या गा सकते हैं। ओम ज्ञान दिविनांदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णचैतन्य नमो नमः। हाँ देखो जो हरिनाम की जो महिमा बताए ना, आज जो महापुरुष का आविर्भाव है वो भक्ति पूरी गोस्वामी महाराज, देखो इनकी जो जीवनी है, इनको ज्योतिष ने बताया था 12 साल में तुम्हारी मृत्यु होगी। कितना साल? 12 साल में मृत्यु होगी। लेकिन इन्होंने जब श्री प्रभुपाद के पास में आ गए, जानते हो कितना साल तक रहे? 102 साल। कितने? 102 साल। इसलिए प्रभुपाद का शिष्य में इतने लंबा तक किसी नहीं रहे, ये महापुरुष जितने दिन तक रहे। इसलिए जब प्रभु का शरण में कोई आ जाता है, हैं, कहते दुनिया तो काल को डरता है, लेकिन काल किसको डरता है? कहते काल भगवान का भक्तों को ये काल डरता है। हम कहते ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्तवृंद, जो श्रीवास नाम कहते हैं, इनको भी ज्योतिष ने कहा था 16 साल में मर जाओगे, वो तो दुखी हो गए। फिर सारे शास्त्र को उन्होंने ढूंढा, बचने का कोई उपाय है कि नहीं, तब उन्होंने शास्त्र ढूंढते ढूंढते नारदीय पुराण में उन्होंने देखा, वहाँ पर बताए हरे नाम इव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा, मतलब कलयुग में भगवान के नाम के सिवाय और कोई गति नहीं। वो कौन सा नाम है? ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो उनने 24 घंटा यही नाम करते रही। ज्योतिष ने ये भी बता दिया था इसी दिन तुम मरने वाले हो, और उसी दिन ठाकुर को सामने बैठ करके हरिनाम करते रहे। लेकिन जब मृत्यु का समय आया ना, बेहस हो गई, लेकिन उनके गाल पर बड़े जोर से किसी ने तामचा मारा, थप्पड़ मारे, वो जग गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ हमको। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकटित हुए और सब भक्तों को वरदान दे रहे थे, जब इनकी बारी आई, महाप्रभु बोले तेरे को पता है, तेरे को ज्योतिष ने 16 साल में मृत्यु बताया था? बोले हाँ। बोले तुमने शास्त्र ढूंढते ढूंढते हरिनाम करना शुरू किया? बोले हाँ। बोले जिस दिन मृत्यु था तुम बेहोश हो गया था, किसने थप्पड़ मारी याद है? बोले प्रभु आपको कैसे पता? देखो भगवान क्या कहते हैं। बोले बेटा तुम मेरे नाम रूपी नाव में तुम बैठा हुआ था, और हरि से बड़ा हरि का नाम है, तो मेरे नाम को कर रहा था, तुमको लेने के लिए जब काल आया था, लेकिन मैंने इसको थप्पड़ मार के भगा दिया। क्यों? तो मेरे नाम को जप कर रहा था। इसलिए वाल्मीकि जैसे व्यक्ति दस्यु रत्ना कर, जिसको नारद बोले बोलो राम, बोलो राम, लेकिन उसको मुंह से राम नाम नहीं निकला। बोले तू बोलता था मारो मारो? बोले हाँ। बोले मरा मरा तो बोल सकता हूँ? बोला हाँ इतना तो बोल सकता हूँ। कहते उल्टा नाम जपत जग जा ना वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, और नाम ले तब सिंधु सुखाई विचार कर सुमन मनवाय। ऐसे नाम की महिमा दस रत्ना कर से जिनको उनको वाल्मीकि बना दिया। उल्टा नाम करते करते अगर हम सीधा नाम ले तो क्या नहीं होगा बता। इसलिए बड़े दृढ़ता पूर्वक हर समय प्रभु का नाम जप करते रहना। माला भले ही कोई चीज छूट जाए, लेकिन हाथ से माला नहीं छूटनी चाहिए। हर समय प्रभु का माला जप करोगे, और अंतिम समय तो यही तो जाएगा ना, और तो साथ में कुछ जानने वाला नहीं। जब कुछ जाएगा नहीं, फिर वो नाम को क्यों नहीं करे? ठीक है, हर समय माला प्रभु का जप करते रहना, उठते बैठते सोते प्रभु का नाम लो। भगवान कहते इसी से ही तुम्हारी सर्वसिद्धि हो जाएगी। मैं सबसे पहले पूज्य पाठ भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव पूज्य पाठ भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में पार व प्रणिपात करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु समेत समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ, एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अभी श्री गुरुदेव ने वाल्मीकि जी का स्मरण करा दिया, तो एक लाइन मैं उनके लिए गा देता हूँ। मरा मरा जब वाल्मीकि जी हो गए ब्रह्म गोसैया, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिया इन्होंने। कवि कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भयो, ये वाल्मीकि जी ही श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बन करके आए हैं कलि में। मरा मरा जब वाल्मीकि जी हो गए ब्रह्म गोसैया, राम रघुरैया भजोरे मन प्रेम से, राम रघुरैया भजोरे मन प्रेम से, कृष्ण कन्हैया भजोरे मन प्रेम से। मेरे श्रीपाद श्री गुरुदेव की आज्ञा है कि मैं श्री कुंती जी ने जो श्री भगवान की स्तुति करी है, उस पर कुछ जो उन्होंने मुझको पढ़ाया है, जो उन्होंने मुझको दिव्य प्रसाद दिया है, उसको आप तक मैं पहुंचाऊंगी। एक हमारे श्रीपाद श्री वामन गोस्वामी महाराज जी का ग्रंथ हुआ है पत्रामृत, उसमें लगभग 29वें या 30वें पत्र में उन्होंने लिखा है कि व्यक्ति की प्रसन्नता का वर्धन कैसे हो। वे कहते हैं भगवान के भक्तों के चरित्र को श्रवण करने से। इस कारण से उनसे किसी ने पूछा कि आप लगभग प्रसन्नता को अनुभव करते हैं, तो उसका क्या कारण है? तो श्रीपाद वामन गोस्वामी महाराज जी को इतना सुंदर ग्रंथ है पत्रामृत, एक साधक को कैसे निर्वाह करना चाहिए उसका दिव्य स्वरूप है श्री पत्रामृत। ऊंचे से ऊंचे तत्व सिद्धांत से लेकर के अनपढ़ और गवार व्यक्ति तक
तो उनसे पूछा आप प्रसन्नता को अनुभव कैसे करते हैं। उन्होंने कहा मैं भक्तों के चरित्र को श्रवण करके और उनको उनके उनके चरित्रों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता हुआ अपने जीवन को प्रसन्नता की अनुभूति में अनुभव कर रहा हूँ। गाई में हरि गुण संत सुजस जग प्रगटे वामन गोस्वामी पाद। गाई में हरि गुण संत सुजस जग प्रगटे वामन गोस्वामी पाद। वामन गोस्वामी पाद प्रगटे वामन गोस्वामी पाद। गाई में हरि गुण संत सुजस जग प्रगटे वामन गोस्वामी पाद। सदा उन्होंने भगवान के दिव्य भक्तों का चरित्र ही गुणानुवाद किया है। देखिए श्री कुं जब महाभारत का युद्ध जो है वे पांडव जीत गए हैं, उसके बाद जब पांडवों को राज्य प्रदान किया है श्री भगवान ने, उसके बाद भगवान रथारूढ़ होकर के जब द्वारिका गमन करने लगे हैं तो कुंती जी रथ के सामने आ गई हैं। जब वे सामने आई हैं तो भगवान ने कहा है कुंती जी से कि बुआ अब कुछ मांगना अब कुछ मिलना शेष रह गया है, अब आप क्या चाहती हैं मुझसे। तो कुंती जी ने स्तुति करी है भगवान की, नमस्ते पुरुषम स्वात्म ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर महिरवस्थितम माया चमनिका छंदम मज्ञा दुक्षम वज्ञयम न लक्षसे मूढ़त्रिशा नटो नाट्य धरो यथा तथा परमहंसानाम मुनिनाम अमलात्मनाम भक्तियोग विधानार्थम कथम पश्ये मही स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजने नमस्ते पंकजांग्रहे। इतना सुनिए चलते नमस्ते पुरुषम स्वात्म हे परम पुरुष श्री कृष्ण आपको बार बार नमस्कार है। जैसे ही कहा नमस्कार है, देखिए नमस्कार शब्द प्रणाम के लिए भी प्रयोग होता है। नमस्कार शब्द महाराज एक रिस्पेक्ट एक आदरणीय वचन भी है। नमस्कार सब नमः करोति अश्कार यह सर नमस्कार जिसमें नमः अपने अपने दिव्य आवेदन को स्पष्ट करने के लिए जो मुद्रा धारण करते हैं उसको नमस्कार कहते हैं। ये अमरकोश का श्लोक है। नमस्कार किया है कुंती जी ने, एकदम से भगवान ने कहा बुआ बताइए अब आप नमस्कार क्यों कर रही हैं, आपके तो मैं साथ ही रहा हूं। उन्होंने कहा आप सब कुछ जानते हैं प्रभु, नमस्ते पुरुषम स्वात्म ईश्वरम प्रकृति परम। आप परम पुरुष ईश्वर हैं, आप परम ईश्वर हैं, आप प्रकृति से परे हैं प्रभु। भगवान ने कहा ये क्या कर रही हो बुआ, आप मुझसे बड़ी हैं फिर भी आप स्तुति कर रही हैं। लेकिन बुआ ने कहा नहीं नहीं मैं आपको जानती हूं आप कौन हैं। ईश्वर प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर महिरवस्थितम अलक्षम सर्वभूतानाम न लक्षते अलक्षम इति विधीयते। विष्णु सहस्र नाम में भगवान का एक नाम आया है अनिर्देश पपू शुमान अनिर्देश पपू जिनको निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए हम ठाकुर जी के आगे कभी भी उंगली नहीं करते कि वो रे ठाकुर की वो रे ठाकुर, नहीं नहीं ये अनिर्दिष्ट हैं, अनिर्दिष्ट हैं, इनको निर्दिष्ट करके हम नहीं कह सकते। चक्रवर्ती पाद ने इस पर बहुत सुंदर टीका करी है, उन्होंने कहा है उनको
जिनको निर्दिष्ट नहीं कर सकते उनको नमस्कार कैसे कर रहे हैं? केवल और केवल भक्ति के कारण। क्यों? क्योंकि पंच महाकन्या का जो हमारे सनातन धर्म में वर्णन किया उसमें से कुंती जी भी है। कुंती द्रौपदी और रावण की जो पत्नी है मंदोदरी, उसके बाद तारा और एक अहिल्या, ये पंच जो महासतियां हैं, ये पंच कन्या है। पंच कन्या विदीयते, यही पंच कन्या मानी गई है। केकाय किस कारण से? कुंती श्रेष्ठाः सभक्त्याः एकमात्रैव कारणः, भगवान को एकमात्र कारण, भगवान को नमः। इसलिए अनिर्दिश्य बहु श्रीमान, अनिर्दिश्य इसलिए पुरुषम स्वात्म ईश्वरम प्रकृतेः परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्महिरवस्थितम्। प्रभु आप अंतर भी हैं, अंतर्महिरवस्थितम् बाहर भी आप हैं, अंदर भी आप हैं। अंदर का जो स्वरूप है प्रभु, देखिए चक्रवर्ती प्राची ने एक बहुत सुंदर बात ये कहा है, जिन ठाकुर जी की हम सेवा अर्चन करते हैं, जिन ठाकुर जी की हम पूजा करते हैं, हमारे कोई भी सेवक ठाकुर जी हो, चाहे छोटे लड्डू गोपाल जी कोई भी हो, चाहे शालिग्राम जी की शिला हो, या फिर हमारे छोटे से डेटीज हो, वो हर एक प्रक्रिया क्रिया और सारी की सारी विपत्ति आपदा इत्यादि समस्त में वही काम आते हैं। चक्रवर्ती पाद ने इस बात का उदाहरण भी दिया है। क्या उन्होंने कहा है? देखिए अंतर, प्रहलाद जी जब भगवान का स्मरण कर, प्रहलाद जी को कितने सारे संकटों का सामना करना पड़ा। भगवान तो अंदर है प्रहलाद जी के, लेकिन अंदर वाले भगवान क्यों नहीं आ गए बाहर? केवल इसका, क्योंकि वे साक्षात जिनका जिनका दिव्य जिनकी स्तुति कर रहे थे प्रहलाद जी, जिनका अर्चन वंदन कर रहे थे, साक्षात उनको ही प्रकट होना पड़ा। इसलिए अंतर्यामी ते बड़ बाहर्यामी, गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं। इस कारण से प्रभु आप दोनों ही जगह है, लेकिन सामने इतने रूप मनोहर रूप में आप दिख रहे हैं, मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं आपको भेजूं। अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्महिरवस्थितम माया जमनिका छंदम मज्ञ दोक्षम अवज्ञ। प्रभु लोग आपको देख तो रहे, इसमें भी चक्रवर्ती पाद जी ने कहा है, देखो लोग कुंभ, देखो क्या नाम है, दुर्योधन ने भी भगवान को देखा है, रावण भी भगवान को देख रहा है, लेकिन उनके अंदर वो भाव नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि कुंती जी की यह स्तुति प्रमाणित कर रही है, माया जमनिका छंदम मज्ञ दोक्षम अवज्ञ, मवज्ञयम् दोक्षः माया जमनिका छंदम, आवरण जो है माया का, जैसे एक नई नई बहू है और महाराज वो कमर तक घूंघट करके श्री राधा गोविंद के दर्शन के लिए जाए, और राधा गोविंद में भी पर्दा लगा हो तो दर्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वहां पे भी पर्दा लगा हुआ है और उन्होंने जो घूंघट का आवरण ले रखा है, महाराज वहां पर भी पर्दा लगा हुआ है तो दर्शन नहीं हो रहा। लेकिन महाराज गोसाई जी मान लो आरती के समय उस पट को खोल देवे तो दर्शन तो हो रहा है, परंतु पड़ा हुआ जो वो घूंघट है उसके कारण उस वधू को दर्शन नहीं हो रहा है, तो फिर क्या? और उसके दोनों हाथ में मेहंदी लगी हुई है, आसक्ति और वासना की महाराज मेहंदी लगी हुई है, तो वो चाह करके भी उसको खोल नहीं सकती, उसको उस घूंघट को अनावृत नहीं कर सकती। तब प्रतीक्षा होती है कि कोई सदगुरुदेव परम वैष्णव वैरागी संत आ जावे और अपने दिव्य प्रवचनों द्वारा, कृष्ण की दिव्य कथा के द्वारा पड़ी हुई आसक्ति और वासना के इस व्यवधान को अनावृत कर दे, तब जाकर के श्री भगवान की दिव्य कृपा से सदगुरुदेव प्राप्त होते हैं। तो पड़ा हुआ वो माया का पर्दा जब हटता है तब जाकर के भक्त और भगवान के जो दिव्य अलौकिक दर्शन का भक्त लाभ उठा पाता है। यही है माया जननी का छंद, माया जमनी का छंदम मज्ञा दोक्षम अवज्ञय। क्यों नहीं दर्शन कर पाते आपका प्रभु? क्योंकि आपने माया का पर्दा आवृत कर रखा है, माया का पर्दा डाल रखा है। मज्ञा दोक्षम अवज्ञय न लक्ष्य से मूल त्रषा नटो नाट्य धरो यथा। प्रभु आप तो नटवर हैं, नट वच्च वर वच्च वपु, और हम सब नट हैं, आप ही हम लोगों को नचा रहे हो प्रभु। सब ही नचावत राम गोसाई, भगवान ही नचा रहे हैं। जो भी क्रिया आलोपित प्रलोपित हो रही है प्रभु आपके भभ्रु भंग मात्र से हो रही है। इस कारण से अच्छा लोग पूछते हैं कि ना भगवान ही करा रहे हैं तो फिर हमें पाप पुण्य का क्यों फल मिलता है? भगवान कहते हैं कि मैं केवल और केवल
सामर्थ्य प्रदान करता हूँ। सत्संग के दिव्य रूप से विवेक की दिव्य प्राप्ति होती है, तब मति के ऊपर टकराती है विवेक। विवेक जब सत्संग मति के ऊपर टकराता है, तब जाकर के हम शुभ और अशुभ कार्य करने कर शुभ और अशुभ कार्य में भेद प्रस्तुत कर पाते हैं। महाराज जब वो हाथी डूब रहा था बुला रहा था, हे प्रभु आप आ जाइए, हे प्रभु आप आ जाइए, हे प्रभु आप आ जाइए, तब महाराज पता नहीं चल रहा था, ब्रह्मादि विविध लिंग विधाभिमान, वो सोच रहे ब्रह्मा जी मैं जाऊं, वो सोच रहे मैं जाऊं, पर जब पता नहीं चला कि कौन जाए, तो महाराज जब भगवान को कैसे पुकारा जाता है, ऊपर चक्रवर्ती पाल लिख रहे, ऊपर श्री नर स्वामी बात कह रहे हैं, जब हाथी डूबने ही वाला था, महाराज बस एक इतनी सी सूंड रह गई थी, तो लक्ष्मी जी ने कमल फेंक करके मारा, और जब क्योंकि उस सरोवर में कहां कमल था, कमल नहीं था, वो लक्ष्मी जी ने कमल फेंक करके मारा, और जब वो कमल जो है वो हाथी की मति से टकराया, तब जाकर के हाथी ने स्तुति करी है। वो लक्ष्मी जी गुरु है और कमल ही सत्संग है, जब गुरु के द्वारा सत्संग रूपी कमल जीव की मति पर टकराता है, तब जाकर के श्री कृष्ण के नाम गुण लीला को कहने में वो सामर्थ्यता प्रदान करता है महाराज। इस कारण से तब उसने पुकारा, गजेंद्र ने पुकारा, प्रभु आप आ जाइए, तो भगवान इतनी विफलता से आए हैं। परियंकम विसजन गणा निगणेन भूषाण मणि विस्मरण नत्ताणोति कदा गतेति निगतं मदमा मया लोकयन निर्गच्छन्तं परीक्षितं खगपतिं चात बाणो धरो ग्राहा मस्त मतंग पुंग समुद्धाराय नारायण। इस कारण से कह रहे हैं कुंती जी, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा तथा परम हंसा नाम मुनि नाम अमलार्थना भक्ति योग विधान। प्रभु लोग सोचते हैं आप असुरों के संहार के लिए आए हैं, लोग सोचते हैं आप धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, लेकिन मैं बताऊं आप किस लिए आए हैं, तो भगवान ने कहा कहो बुआ किस लिए आए हैं, आप भक्ति योग विधानार्थम, आप भक्ति योग की स्थापना करने के लिए, मुनि नाम अमलात्मनाम, मुनियों के मुनि जो आपके दिव्य अर्चन पूजन में लगे हुए हैं, आपके दिव्य नाम स्मरण में लगे हुए हैं, केवल उनको अपनी लीलाओं से आनंदित करने के लिए आपका जो अवतार होता है इस धरती पर होता है। मुनि नाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये मन स्त्रिय भैया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कहा वासुदेवाय कृष्णाय, आप वही कृष्ण है वासुदेवाय, यहाँ पे टीका में लिखा है वसुसु इंद्रसु तस्य देव वसुदेव, महाराज ये नंद ही है, नंदस्तु वासुदेवस्यति कथ्यते संप्रमण्यः, ये नंद के लिए ही उपयोग हुआ है श्रीपाद नंद जी के लिए वासुदेवस्य, और महाराज देवकी भी, देव क्या है यशोदा इति कथ्यते संभावाः प्रतिष्ठिताः, महाराज दोनों के दोनों एक ही भाव से प्रतिष्ठित हैं, आप नंद गोप कुमार आए प्रभु, आप नंद और गोपी, नंद और गोपी यशोदा जी के परम कुमार हैं, गोविंदाय नमो नमः। अच्छा गोविंद शब्द किसे कहते हैं, गोवही इंद्रिय ही, देखो गोविंद में जो वी है उसका अर्थ है वृद्धि लाभे, वृद्धि लाभे का अर्थ है जिनको अपनी कथा सुनना बहुत सुंदर लगता है, इसलिए गोविंद का अर्थ है जिन श्री भगवान को अपनी कथा सुनना अत्यंत प्रिय लगे उसे गोविंद कहते हैं। प्रभु आप गोविंद हैं, क्यों, क्योंकि गोवै इंद्रिय तस्य मनम येन कथा कथा वार्ता सब प्रिय ही गोविंद, जिनको अपनी कथा वार्ता को सुनना प्रिय लगे, भाई गोविंद है प्रभु आप अपनी कथा सुनने के लिए आए, इसलिए महाराज नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज मालिने, मालिनी राधा राधा रानी, मालिनी श्री राधा रानी है, उनके आनंद कंद दिव्य कृष्णचंद्र जो है उनको आनंदित करने के लिए आप श्री गोविंद श्री राधा रानी को अपनी लीलाओं से आनंदित करते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज, नमः पंकज नेत्राय, आपके मधुर मधुर पंकज नेत्र हैं, नमस्ते पंकजाग्रहे, हे पंकजाग्रह श्री गोविंद, जिस राजिन जो राधा रानी, जब महाराज श्री गोविंद चलते हैं तो श्री राधा रानी जब उनको विरह देने के लिए आगे आगे चलती है तो श्री गोविंद उनकी स्तुति करते हुए पीछे चलते हैं। कालिंद्या कालिंदी तत्कुंज मंदिर योगिंद्र वक्य पदम ज्योति गिवन परा सदा जपत्या विद्या पराधिक्षरा, महाराज आप उन श्री राधा रानी को परम आलादित करते हैं, परम आनंदित करते हैं, हे राधा रानी के दिव्य नयन कमल के कुसुम पराग श्री
कृष्ण आपको नमस्कार है, यही नमः पंकज नाभाय का अर्थ है महाराज। उसके बाद कहा बुआ क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? बोले एक ही चीज चाहिए, विपदासन तत्प्रदत्त जगत गुरु। प्रभु आपने मुझे सहर्ष प्रदान कर दिया ये सब राज्य, लेकिन बिना आपके राज्य किस कारण, जहाँ आपकी लीला कथा ना हो वह राज्य किस काम का। प्रभु आप चले जाओगे क्योंकि हमारे जीवन में प्रसन्नता की दिव्य बेला का उदय हो गया है, पर ऐसी प्रसन्नता की बेला क्या काम की जिससे कृष्ण रूपी घोरा ना प्रस्तुत हो। ऐसे ही भगवान आप हमें छोड़ करके मत जाओ, आप हमें विरह और दुख दे दो प्रभु, क्योंकि यदि आप दुख देते हो तब आपका सामिप्य हमारे साथ रहता, आपका नाम चलता रहता है, लेकिन यदि व्यक्ति सुख में पागल हो जाता है तो आपकी विस्मृति कर देता है। तो प्रभु ऐसा सुख किस काम का जिसमें हमारे आनंद कंद सच्चिदानंद श्री गोविंद ठाकुर ना हो। इस कारण से प्रभु आप हमें दुख ही दुख दे दो, इसलिए यहाँ पे सुख दे बड़ो दुख गयो, दुख दे बड़ो न सुख, क्योंकि कृष्णचंद्र ही स्मरत रहे भगवान की स्मृति, जो है महाराज यदि दुख में हो तो वो दुख को परिहार है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वांछा करते जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मैया कुंती की जय। उसमें जो एक श्लोक आया है, मैया कुंती कहती है बोले प्रभु बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय। इसका तात्पर्य यह है कि जगत में सबसे बड़े कौन हैं जो भगवान कृष्ण को भक्ति करते हैं, उनसे बड़े जगत में कोई नहीं। क्योंकि जो कृष्ण हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हैं, इनकी भक्ति करने से सभी भक्ति अपने आप हो जाता है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं सुदुर्लभ प्रसाद आत्मा कोटि स्वपी महामुनि है अर्जुन, करोड़ों करोड़ों में कोई एक विरल व्यक्ति होते हैं जो मेरी उपासना करते हैं। इसलिए बोले कृष्णाय, जो कृष्ण को भक्ति करते श्रेष्ठ, बोले उनसे श्रेष्ठ कौन है, बोले वासुदेवाय, बोले श्री वसुदेव महाराज। क्योंकि यद्यपि कृष्ण भक्ति सभी ने किए हैं, लेकिन वसुदेव महाराज जैसे इतने भक्ति नहीं किए। बोले क्यों, बोले कृष्ण कौन, बोले जगतपति जगन्नाथ कृष्ण है, लेकिन वो जगतपति जगन्नाथ होते हुए भी लेकिन उन्होंने पिता रूप में किसको वर्ण किया है, कहते श्री वसुदेव महाराज अपना पिता बनाया हैं जगतपति होते हुए भी, इसलिए इतने प्रेम में उनकी बसी होते हैं। बोले उनसे श्रेष्ठ कौन है, बोले उनसे श्रेष्ठ है बोले माँ देवकी। बोले क्यों, बोले कृष्ण को गर्भ में किसने धारण किया, बोले माता, माता ही धारण करती है ना। इसलिए इसका तात्पर्य जो है पिताओं से जो सौभाग्यवान माता हैं, इसलिए जिनकी गर्भ में विश्व ब्रह्मांड है, लेकिन अभी वो विश्व ब्रह्मांड को धारण करने वाले अभी किसकी गर्भ में आए, बोले देवकी की गर्भ में आए। इसलिए माँ देवकी की जय जयकार हो, बोले देवकी मैया की। कहते लेकिन उनसे श्रेष्ठ कौन है, बोले नंद जसोदा, क्योंकि कृष्ण मथुरा में तो प्रकट हुए लेकिन इतना ही आनंद और कोई आनंद उनको नहीं मिला है। एक बार देवकी ने कृष्ण को एक बार केवल स्तन पान कराया और कुछ नहीं किया, लेकिन जो आनंद हुआ नंद का आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, लेकिन ये आनंद उत्सव कहाँ पर हुई है, बोले गोकुल में। इसलिए बोले नंदस्तु आत्मद जाता लादा महामना, इसलिए नंद बाबा को कह रही ये कौन है, बोले महामना श्रेष्ठ मन है, बड़े सौभाग्यवान श्री नंद और यशोदा। इनको ठुमक ठुमक करके चलाना जो सिखाया, गोद में जो दूध पिलाया, कभी कान मोल दिए, कभी उखल में बांध दिए, कभी डांटे डपते कौन है, कह दिए माँ यशोदा और श्री नंद बाबा, ये सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ। इसलिए उनसे श्रेष्ठ ये हैं, भले उनसे श्रेष्ठ कौन है, भले गोविंदा, या गोविंदा एक अर्थ होता है, गो मतलब होता है इंद्रियां, अरे पी मतलब होता है पीना, जो कृष्ण प्रेम रस को जो नित्य निरंतर पान करती हैं, कौन है ये ब्रज गोपी, जिनको साथ में भगवान ने रास रचाई। रास और किसको साथ में नहीं किया है, रास मतलब जहाँ पर रस का प्रकटित हुआ वो रास है। इसी सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ है, बोले ये ब्रज गोपियों को प्राप्त हुआ, जहाँ पर कृष्ण उनके चरण में अपना ऋणी को कृष्ण स्वयं स्वीकार करते हैं। बोले गोपियाँ तुम लोगों ने मेरे लिए जो त्याग दिया है, मैं ब्रह्मा जैसे परमायु पा करके भी
तुम्हारी ऋणी को मैं नहीं उतार सकता हूँ। बोले ये गोपियों में भी श्रेष्ठ कौन है? बोले सर्व गोपी सुसेवई का विष्णु रतन तवल्लवा। गोविंद मतलब होता है जो पूर्ण रूप में उनको जो आनंद प्रदान करती है, हैं इंद्रियों को जो आनंद प्रदान करती है। बोले कौन है? बोले ये श्रीमती राधा रानी जैसे कृष्ण की आनंद प्रदान की, इसलिए गोविंदानंदनी राधा गोविंद सर्वस्व। इसलिए कृष्ण की जो सर्वस्व है, बोले ये श्रीमती राधा रानी। यहाँ पर माता कुंती कहती हैं, बोले हे प्रभु, जगत में अगर आपके सबसे कोई श्रेष्ठ भक्त है ना, ये ब्रजवासी है। ब्रजवासी में श्री राधा ब्रज गोपियाँ और उनमें श्री श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की। हाँ, 7:30 हो गया ना, और एक मिनट लेंगे। हाँ, अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री सनातन गोस्वामी नाम को वंदना करते हैं। जयति जयति नामानंद मिथत मुरारी विरमित निज धर्म ध्यान पुदाति जतनम। कहते ये भगवान का जो नाम है, अगर कुछ भी नहीं करके बोले भगवान का नाम को ही अगर स्मरण कर ले तो इसी से ही हमारे कल्याण हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सनातन गोस्वामी बहुत अच्छी बात कहते हैं। कहते हमारे 5 ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। कितना ज्ञानेन्द्रिया क्या क्या है? बोलो बोलो क्या क्या है? हाँ, कहते ये जो भगवान का जो नाम है, अगर ये किसी इंद्रियों को भी स्पर्श कर ले उसको द्वारा ही जीव का कल्याण कर देते हैं। जैसे चक्षु आँखों के द्वारा भी ये नाम कल्याण करती हैं। कैसे? जैसे कहीं अगर लिखा हुआ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब ये आँखों के माध्यम से हम उसको दर्शन करते हैं, बस कल्याण हो गया। इसलिए श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहते हैं, अगर तुम्हारी मन बहुत भटक रहा है, प्रभु का नाम लेते समय मन उसमें बैठ नहीं रहा है, इधर उधर भागता है, क्या करो? वो कहते थे हरि नाम अक्षर को बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षर से लिख लो। लिख करके जब हरे कृष्ण बोलो, उसको देख देख कर बोलो, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम। वो कहते थे नाम को लिख करके उसको पढ़ पढ़ करके देखो और उसको बोलते रहो, अपने आप मन तुम्हारे नाम में डूब जाएगा। इसलिए चक्षु, दूसरा कर्ण, कानों से जैसे भगवान का नाम ले रहे हैं, नाम लेने से क्या होता है, ये कर्ण को माध्यम से अंदर में प्रवेश करता है। इसलिए कहते चेत दर्पण मार्जनम, जो कानों के माध्यम से हृदय में जाता है, ये हृदय को ये साफ कर देता है भगवान की नाम। चक्षु कर्ण, उसको बाद में कहते जो त्वचा, त्वचा मतलब होता है इस शरीर। इसलिए कोई कोई व्यक्ति देखना अपना शरीर में हरे कृष्ण महामंत्र लिखते हैं, और उधर हमारे भक्त लोग अपना छाती में कोई हरे कृष्ण नाम या कोई नित्याई गौर नाम लिखते हैं, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम लिखते हैं कोई, हैं। इसलिए भगवान का जो नाम जब ये त्वचा को स्पर्श करता है, ये त्वचा के माध्यम से भी प्रभु का नाम कल्याण करता है। चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा, जिह्वा और जिह्वा के द्वारा भी कल्याण होता है। कैसे? हम जब भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, कैसे उच्चारण करते हैं? अपना जिह्वा में तो हरे कृष्ण नाम ले रहे ना, अगर बोलो जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए ये भगवान का नाम जब जिह्वा को स्पर्श किया, इसमें भी कल्याण हो गया। लेकिन एक बाकी रह गया, अब से मैं पूछूंगा, क्या नकेगना? नासिका, इसमें कैसे कल्याण होता है? बोलो कौन कौन बोलेगा? भगवान का नाम तो 4 तरह का मैं बता दिया, आप बता। फिर कल आप लोगों ने कल मेरे को बोलना, मैं आप लोगों के लिए रख दिया है, हैं, जो बोल देगा ना उसको इनाम मिलेगा। ये नासिका के द्वारा कैसे हैं? आँख से हो गया, जीवा से हो गया, और देखने पर हो गया, त्वचा से हो गया। अब ये नासिका से कैसे कल्याण होता है, कल आप लोग सोच करके आना, ठीक है? बोलना, नहीं बोलेंगे तो मैं बोलूँगा, कल बोलना, ठीक है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
माइक पास में लगा सावरिया मीठे मीठे Krishna